सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपने आत्मा को कभी मत बेचिए, एकमात्र यही है जो आप संसार में लेकर आए थे और यही चीज है जो जाते समय लेकर जाएंगे। सत्य वचन। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत, बुरा वक्त गुजर जाएगा। कोई हमारा विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाते हैं कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। आज का पंचांग 23 नवंबर 2020 देश सोमवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि रात्रि 12:32 तक रहेगी। इसके उपरांत 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सद्भिषा नामक नक्षत्र दोपहर 1:05 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:10 से 9:31 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:51 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। तुला राशि 23 नवंबर 2020 दिन सोमवार, बातचीत करना अभी महत्वपूर्ण है। मैसेज फोन या ईमेल के माध्यम से अपने से छोटे से बातचीत हो सकती है। नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। यात्रा का भी योग है, खुद पर विश्वास रखें और अपने दिमाग के रचनात्मक विचारों को शेयर करें। जीवन के सार्थक अनुभव आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आप भावनाओं की जटिलताओं से दूर रहकर संसार के सुखों का मजा लेना चाहते हैं। आपका धीरज आपके चाहने वालों को आकर्षित करेगा। हर वक्त की तरह आज भी आपका समय अद्वितीय है। हार जाने के डर को जीतने के उत्साह से ज्यादा बड़ा ना होने दें। यह सोचने और जानने के लिए कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं, कुछ देर एकांत में बैठें। पिछले कई दिन काफी व्यस्त रहे हैं, इसलिए आपको अपने उद्देश्यों का फिर से मूल्यांकन करना है और यह भी देखना है कि आपके काम किस प्रकार आपके जीवन और संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। यात्रा संभावित है, हालांकि हमारा सुझाव यह है कि किसी रोमांचक ताबड़तोड़ यात्रा के स्थान पर शांतिपूर्वक अपनी छुट्टियां बिताएं। पिछले कुछ दिनों से चल रही भाग दौड़ की वजह से आज कुछ सुकून पाने की इच्छा रहेगी। अपना कुछ समय आध्यात्मिक तथा धार्मिक स्थान में व्यतीत करें। आपका मानसिक शांति का अनुभव होगा तथा अपनी आंतरिक ऊर्जा को भी दोबारा से एकत्रित कर पाएंगी। वैवाहिक संबंध से विभक्त हो रहे लोगों को अपने आप से सामंजस्य से बातों को सुलझाना होगा। प्रॉपर्टी का बंटवारा करते समय निर्णय दोनों पक्षों के लिए समांतर रहें। इस बात का ध्यान रखें दूसरों का झगड़ा मिटाने के लिए की गई कोशिश आपका नाम खराब कर सकती है, इसीलिए जो बातों का आपसे ताल्लुकात नहीं है उनसे दूर ही रहें। विदेश में काम करने की परमिशन मिलना कठिन हो सकता है। विवाह में देरी होना आपके साथ आपके परिवार वालों की चिंता बढ़ा सकता है। सावधानियां। आपके लिए कुछ संबंधित जलन की भावना से आपके खिलाफ आलोचना या अपमानजनक स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु किसी पर भी ज्यादा ध्यान देने की अपेक्षा अपने काम पर एकाग्रचित रहें। विद्यार्थियों के ऊपर भी आलस और मस्ती हावी रहेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, परंतु प्रेम संबंधों में गलत फहमियों की वजह से दरार पड़ सकती है और यह संबंध टूट भी सकता है।
आज आप अपने सभी संबंधों को नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस तरह से पुराने महत्वहीन रिश्ते को भी आप पीछे छोड़ सकती हैं, जिनका समय के साथ कुछ महत्व नहीं रह गया है, या आप अपने प्रयासों से अपनी मौजूदा रिश्ते को नवनिर्मित करके उनमें प्रेम की ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। आप इस समय ऊर्जा से ओतप्रोत हैं और आप प्रेम से भरे हुए रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाएंगी। छोटी और साहसिक यात्रा के लिए जीवन का यह चरण अच्छा है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके साथ कौन है। अगर आप पुरुष हैं तो किसी खास महिला से मुलाकात की भी संभावना है। आज आप दुनिया के सुखों का मजा लेने में व्यस्त रहेंगे। आपका शांत स्वभाव सबको आकर्षित करता है। अपने साथी और परिवार के साथ वक्त गुजारें, अपने यौन क्षितिज का विस्तार करें और एक दूसरे को अच्छी तरह से समझें। अलग अलग यौन तकनीकों को सीखें और अपनाएं। जीवन स्पाइसी हो जाएगा। बात करते हैं करियर की। व्यावसायिक परेशानी को लाभ में परिवर्तित करने के लिए आपको अगर आज छोटी यात्रा करनी पड़े तो पीछे ना हटें। कला से संबंधित क्षेत्र में भी आपकी तरक्की की संभावना है, जैसे नृत्य या संगीत। उन्नति के लिए भाई बहनों या सहकार्यकर्ता की मदद लेनी पड़ सकती है। एक अच्छे अनुभव की आपकी इच्छा आपको अपने साथी से प्यार का इजहार करने के लिए प्रेरित कर सकती है। आपका शांत मूड आज आपके सहकर्मियों का ध्यान आकर्षित करेगा, जिससे आपको भी अच्छा महसूस होगा। आज कुछ भी हो, आपके लिए आपकी प्राथमिकता आपका परिवार ही रहेगा। याद रखें, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आप समस्या पैदा नहीं करते, लेकिन आज आप अपने को घिरा हुआ पाएंगे। आप अपना आपा खो सकते हैं। आप अपने को शांत बनाए रखें और समस्याओं को एक एक करके निपटाएं। आपको देर तक अपने कार्यालय में कार्य करना पड़ सकता है। शाम तक की अपनी परेशानियों को रद्द कर दें। अपने कार्य को ढंग से समाप्त करने की ओर ध्यान लगाएं। व्यापार में अपने सहयोगियों और कर्मचारियों पर विश्वास रखना जरूरी है। उनका सहयोग आपके बिजनेस की क्षमता को बढ़ाएगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित कामों में सफलता मिल सकती है। बात करते हैं सेहत की। असंतुलित खानपान की वजह से स्वास्थ्य खराब रह सकता है। अपने दिनचर्या व्यवस्थित रखें। थोड़ी सी सावधानी आपको बिल्कुल स्वस्थ रखेगी। अच्छा, आपको छोटी छोटी बीमारियों जैसे कफ और कोल्ड से भी बचकर रहना होगा। ध्यान रखें कि आप अपने हाथ अच्छी तरीके से धोएं और किसी भी वस्तु को मुंह में ना डालें, क्योंकि आप बीमार पड़ सकते हैं। ऐसी बीमारियां आपको शरीर के अंदर नुकसान दे सकती है। आज का उपाय, आज आप पानी में तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।